Stylopedia and I'm Sneha here. So girls, Holi is almost knocking on our door and this festival is really very nice, full of colors and everything. But after having a lot of fun in Holi, the stubborn color of Holi really bothers us a lot. तो इसीलिए आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है आप इस होली में अपने हेयर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो सारी गंदी वाली स्टफ से जो हमारे आफ्टर होली कलर बैठ जाते हैं स्कल्प में एंड हेयर ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, एकदम 12 बज जाते हैं बालों के, तो उसी चीज से आप कैसे अपने हेयर को बचा सकते हैं आज मैं इस वीडियो में आपसे वही शेयर करूंगी. इफ यू आर अ न्यू व्यूअर इन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड आफ्टर सब्सक्राइब my channel please hit the bell icon so that you will get a notification in your mobile that I have uploaded a new video and you will get the first chance to watch my videos. So if you are already my subscriber then thanks a lot to you guys because you really means a lot to me and recently we have crossed the 10k subscribers. So yes, a very big thanks from the midpoint of my heart to you guys because yes, your subscription and your love really means a lot to me. It gives me so courage and yes, in sab cheezon ke wajah se hi main video banane ki himmat juta pati hu and aapke pyare pyare comments, like and subscription really means a lot to me. So thanks again for that. And okay, so today I am going to share with you some pre-holi tips and some post-holi tips so that you will prevent your hair from any kind of dirt, damage, dryness and everything. In this pre-holi tips, I am going to share with you guys that how you can prep your hair for this holi. So yes. टिप नंबर वन इज मेक श्योर कि आप अपने बालों को यू नो होली के दो तीन दिन पहले से शैम्पू ना करें, बिकॉज शैम्पू से क्या होता है, इट ऑल्सो क्लीन्स अप ऑल द नेचुरल ऑयल्स फ्रॉम आवर स्कैल्प. तो इससे क्या होता है, हमारे स्कैल्प में नेचुरल ऑयल का जो लेयर होता है वो हट जाता है एंड इट विल हेल्प टू यू नो ऑब्जर्व द कलर टू आवर स्कैल्प. तो मेक श्योर कि आप होली के दो तीन दिन पहले तक शैम्पू ना करें ताकि आपके स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल जनरेट होते हैं वो वहीं पे स्टे हो जाए. सो टिप नंबर टू, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज अप्लाई सम हेयर ऑयल फ्रॉम योर स्कैल्प टू द टिप ऑफ योर हेयर. सो ऑयल मेक्स अ बैरियर बिटवीन आवर हेयर एंड द होली कलर सो दैट हमारे जो होली कलर्स है वो हेयर में एकदम स्टिक ना हो जाए, हेयर के साथ अटक ना जाए. सो इसलिए एक बैरियर की तरह काम करते हैं हमारी जो हेयर ऑयल है. एंड अगर आप हेयर ऑयल यूज करना पसंद नहीं करते क्योंकि यू नो सेल्फी एंड ऑल इन सब चीजों की भी मामला होता है होली में, तो अगर आप हेयर ऑयल अप्लाई करना नहीं चाहते हो तो आप उसके बदले कोकोनट मिल्क का भी यूज कर सकते हो अपने हेयर में यू नो वो बैरियर क्रिएट करने के लिए. टिप नंबर थ्री में आप क्या कर सकते हो, अपने हेयर को प्लीज खुला मत रखिए. आई नो ओपन हेयर लुक्स रियली नाइस बट यू नो इन होली हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बाल ड्राई हो जाए, रफ हो जाए एंड बस कुछ घंटे बाल खूबसूरत दिखे एंड हम खूबसूरत दिखे. इसके लिए हम पूरी तरह मतलब अपने बालों को खराब कर दे अंदर से, ये बिल्कुल भी कोई लड़की नहीं चाहेगी. तो इसके लिए गर्ल्स आप प्लीज अपने बालों को ना बन में या ब्रेड में बांध के रखिए. इट विल लुक्स इक्वली नाइस एंड ब्यूटीफुल. सो आप अपने बालों को बन बना के रख सकते हो या तो ब्रेड बना के भी रख सकते हो, यू नो साइड ब्रेड एंड ऑल, इट रियली लुक्स नाइस. तो आप वैसे करके रख सकते हो अपने बालों को. ब्रेड और बन बनाने के अलावा जो आप और एक चीज कर सकते हो, अपने बालों में स्कर्फ अप्लाई कर सकते हो. ऐसे एक यू नो स्कर्फ आप यू नो ऐसे कुछ कलरफुल स्कर्फ एंड ऑल मेरे पास ये है, तो आप इस तरह का कुछ स्कर्फ यूज कर सकते हो अपने हेयर को कवर करने के लिए. आप इस तरह का जो है स्कर्फ भी यूज कर सकते हो. तो ऑयल का तो हो गया कि ऑयल हम लगाएंगे बालों में जाने से पहले यू नो बाहर जाने से पहले, बट जो हमारे ऐसे ये हेयर लाइंस होते हैं वहां पे भी कलर्स बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते हैं एंड उसे भी उतारना इक्वली मुश्किल होता है जैसे जितना कि हमारे बालों से कलर निकालना मुश्किल होता है. तो उसे उतारने के लिए आप ऐसे वैसलिन का यूज कर सकते हो. वैसलिन पेट्रोलियम जेली को लेकर के यू नो अपने हेयर लाइन पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उससे जो है ये भी एक बैरियर की तरह ही काम करेगा, आपके हेयर लाइंस पे कलर को स्टिक करने नहीं देंगे.
this is the time to our post-holy treats. So let's get started. So in post-holy, after holy क्या होता है? After holy, most of the girls क्या करते हैं कि बहुत बार shampoo करते हैं एक ही दिन में ऐसे घिस घिस के and बहुत ज़्यादा huge amount का shampoo use करते हैं. जैसे कि मैंने अपने hair care routine video में भी बताई थी कि जो you know extra extra shampoo use करने से आपके बालों का कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला. Over chemical use करने से क्या हो सकता है? आपके बाल खराब हो सकते हैं. So make sure कि आप over shampoo ना करें अपने बालों में. जस्ट जितना शैम्पू आप यूज करते हो उतना ही करें, बट एट मैक्सिमम दो ही टाइम करें एक दिन में. मतलब होली खेल के, मतलब होली के बाद घर पे आके बस दो ही टाइम शैम्पू करें. एक बार थोड़ा सा अप्लाई करके अपने बालों को वॉश कर लीजिए एंड उसके बाद फिर से शैम्पू लेके अच्छे से बालों को मसाज करें एंड रब करें धीरे धीरे जेंटली, ताकि आपके बालों में से सारे जो कलर है वो आसानी से निकल आए. एंड अगर थोड़े कलर रह भी जाते हैं बहुत ज्यादा यू नो रफ और जिद्दी कलर जो होते हैं वो होता है, तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लें. वो दो तीन दिन में बस जेंटली उसे रिमूव कर दीजिए शैम्पू के मदद से. After holy हमारे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई एंड यू नो वो दिखता है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए आप मिल्क हनी एंड कोकोनट ऑयल का एक पैक बना करके अपने हेयर में लगा भी सकते हैं, ताकि आपके हेयर का जो मॉइस्चर है वो गायब ना हो जाए. होली के दो तीन दिन बाद तक अपने बालों को यू नो ब्लो ड्राई स्ट्रेटनिंग कर्लिंग ये सब चीजें मत कीजिए. लेट इट ब्रीद फॉर अ वाइल, कुछ दिन इसे सांस लेने दीजिए. अपने बालों को बस नॉर्मल रखिए, ताकि आपके बाल जो है वैसे भी स्ट्रेटनिंग ब्लो ड्राई इन सब चीजों से हमारे बाल थोड़े से रफ हो जाते हैं. तो उसे अपने बालों को प्रिवेंट करने के लिए दो चार दिन तक बस वेट कर लीजिए, ताकि आपके बाल जो है वो और भी ज्यादा रफ ना हो जाए. शैम्पू के बाद आप कंडीशनर या सेरम का प्लेंटी अमाउंट में यूज कीजिए. प्लेंटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेके यू नो लगा दिया, बट सफिशियंट अमाउंट जितना आपका जरूरत है आपको उतना यूज की जितना आपको जरूरत है उतना डेफिनेटली यूज कीजिए. एंड उसके बाद आप थोड़े से कोकोनट ऑयल लेके ऐसे अपने पम में रब करके अपने बालों में ऐसे सेरम की तरह भी कोकोनट ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए. सो अदर देन दैट आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप जो भी शैम्पू यूज करें वो बहुत ज्यादा डीप क्लींजिंग वाली शैम्पू हो, ताकि आपके बालों का जो कलर है वो इजीली निकल जाए. एंड डीप क्लींजर जो शैम्पू होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है ना ऐसे होली कलर एंड ऑल इन सब चीजों को निकालने के लिए. So well guys, ये थी मेरी आज की वीडियो. I really really hope that you all enjoyed this video. If it is, then don't forget to give this video a very big thumbs up. And yes, you can also share this video with your friends and family. So yes guys, enjoy your Holi. A very happy Holi in advance from my side. So yes, I will meet you guys on my next video. Till then, keep styling, keep smiling, enjoy your Holi. Bye bye.